अरे आ जाओ बिंदु आ जाओ मैं डरता ए, नहीं आ जाओ जब में जा नाम देखेगा तब पता चलेगा तेरे गुरु का अरे भाई इस भाई ने तो हमें चैलेंज कर दिया मतलब बोल रहा है कि भाई हैकर है अब देखते हैं यार ये क्या होने वाला है कि ये बंदा हैकर है या नहीं अब देखो पता चल जाएगा तुम लोगों को आज के मैच में क्योंकि भाई बहुत ही यार धमाकेदार मैच होने वाला है हर बार की तरह तुम्हारा भाई उतर रहा है पोचिंग की में, मतलब हर बार की तरह नहीं इस बार की तरह तुम्हारा भाई उतर रहा है पोचिंग में और तुम लोगों की डिमांड पर भाई मैं आ चुका हूँ सायर के साथ गेम प्ले लेकर क्योंकि भाई तुम लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई सायर के साथ गेम प्ले लेके आओ और हाँ गाइस आज का गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हमारे साथ मीटअप स्कैम भी होने वाला है फिलहाल हम देते हैं पोचिंग की और भाई ये था हमारा पहला शिकार तो जो लोग भी चैनल पर सब्सक्राइब कर दो वीडियो को फटाफट से कर दो लाइक और बेल नोटिफिकेशन को कर लो फटाफट से ऑल पे सेट क्योंकि भाई हमारे चैनल पे ज्यादातर गेम प्ले तो ऐसे ही आते रहते हैं यार मतलब आ जाते हैं कभी ना कभी जिंदगी में एक दो बार फिर तो आगे वाले घर पर और बंदे होते हैं तो अब ये भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है ये बंदे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाते हैं ऐसे ही बैठे बैठे अब देखो ये बंदा सीढ़ियों पे नेट कर देता है तो मैं यहाँ पर पीछे की तरफ आता हूँ और भैया से पूछता हूँ क्या उनके पास नेट है और अब देखो यहाँ पर क्या करता हूँ भाई महक मार रही तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि हम लोगों ने गर्ल गेमर मार दिया भाई इससे माइक खुलवाएंगे लेकिन अब जो स्कैम होने वाला है है? जरा जरा आप जरह वो सुनो यार क्या होता है? अरे अब देखो यार ये बंदे गाली दे रहे होते हैं फिलहाल के लिए उन्हें तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि भाई मेरा काम था सिर्फ मारने का अब मैं मार के छोडूंगा तो नहीं ऐसे गाली देंगे तो मैं तो बोलता नहीं हूँ भाई कुछ किसी को जिसको जो बोलना है बोले फिलहाल के लिए हमारे ऊपर घर पर एक बंदा होता है भाई वो बंदा तो मीटअप ही करने लगा अब देखो यार वहां से हम लोग निकल के आए थे फायर हाउसेस की तरफ और अब यहाँ पर जो फाइट होने वाली है मतलब आप लोगों को तो मजा ही आ जाएगा फिलहाल के लिए भाई ये बंदा तो बच के निकल लेता है लेकिन और बंदों को मैं नहीं भागने दूंगा तो यहां पर मैं खींचता हूं एक नेड और अब ये नेड देखो जरा भाई इस नेट से पक्का डैमेज तो हुआ ही होगा ये बंदा भाई मतलब ये बंदा पीछे वाली छत में मज़े से लेट के मेरे किल चुराने की कोशिश कर रहा था और इसने किल ले भी लिया अब लेकिन यहाँ पर जिस घर में मैं खड़ा होता हूँ इस घर पर भी एक बंदा होता है और पीछे की तरफ भी एक बंदा होता है तो यहाँ पर मैं पहले नेट निकालता तो मौली करता हूँ ऊपर की तरफ और भाई देखो अब ये बंदा पक्का चलेगा भाई इस बंदे से तो कैसे तैसे करके बच गए मतलब भाई ये बंदा पता नहीं कहां बैठा हुआ था फिलहाल के लिए आगे की तरफ और बंदे आ चुके होते हैं तो यहां पर मैं एक बॉट देखता हूं पहले तो मैं इसे मारता हूं और तभी मेरे को पीछे से कोई मारने का ट्राई करता है भाई भाई बाल बाल बज गया मैं अगर मैं पीछे की तरफ ना देखता तो ये बंदा मेरे को पक्का मार ही देता यार फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लूट वगैरह कर रहा तो तभी एक और बंदा आ चुका होता है इस घर में और ये भाई पता नहीं कहां से आया था बड़ी चौड़ में लूट रहा था लेकिन मैंने इसको सही टाइम पे देख लिया फिलहाल आगे वाले घरों पे जैसे ही मैं ओपन में उतरता हूँ भाई मेरे को एक बंदा दिखता है और भाई ये तो कूद रहा होता है लेकिन बगल वाले घर पे ही बंदा आ चुका था तो अब हम इस बाहर वाले बंदे से थोड़ी बहुत बात वगैरह करते हैं और ये देखो भाई महक दोबारा से हमसे ही मरने आ गई यार मतलब महक कितनी जल्दी है तुम्हें भले ही बल्कि ये, ये महक नहीं थी यार ये महक के नाम पर महका था कोई महका महका इंसान था अब जैसे मैं यहाँ पर लूट वगैरह कर रहा होता हूँ तभी देखो मेरे को क्या दिखता है अब यहाँ पर मैंने इस टीम के तीन बंदे मार दिए थे मतलब देख रहे हो भाई यहाँ पर थर्ड पार्टी मैंने अच्छे से करी है दबा के थर्ड पार्टी करी यार मैंने मतलब अब मैं लूट रहा होता था यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट वगैरह उठाता हूँ और तभी मेरे को पता चलता है भाई अपने ही ऊपर वाले घर पर एक बंदा बैठा हुआ है तो फिर क्या करना था मतलब उठाए नेड़ माली मैंने और कर दिए शुरू मतलब भैया से मैंने फटाफट से नेड़ माली ले लिए थे सारे के सारे और अब देखो तुम्हारा भाई निकालता है नेड़ पहले मुझे लगता है कि बंदा यहाँ पर बैठा होगा लेकिन भाई ये बंदा कि मैंने ध्यान से फुट सुने और अब देखो इस नेड़ का कमाल भाई यहां पर ये बंदा मेरे को ऑलमोस्ट मार ही चुका था लेकिन मैं बच गया कैसे तैसे करके भैया ने सही टाइम पर मतलब मेरे को कवर फायर दे दिया वरना तो भाई मेरी पेटी थी अब जो भैया कह रहे थे बंदा नॉक हुआ था वो बगल वाली बिल्डिंग पे हुआ था यहाँ पर कोई बंदा नॉक नहीं हुआ था तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई लेकिन Watch out. अब यहाँ पर मैंने भैया को बता दिया था कि उस साइड ही बंदे हैं तो मैंने एक बंदे को नॉक करा तो फिर क्या करना था उठाए नेट मैंने और फेंकने शुरू कर दिया यार अब सीधा देखो कैसे नेट से बंदे फूटते हैं एक <laughs> Attack the mark. <laughs> तो भाई यहाँ पर मैंने एक बंदा नेट से नॉक कर दिया एक बंदा मैंने अपनी यू से नॉक कर दिया और एक बंदे ने भाई जो मेरा किल चुराने की कोशिश कर रहा था उसे ही मैंने नॉक कर दिया मतलब भाई तीन चार किल तो ऐसे ही बैठे बैठे मिल गए तीन चार भी है यार मतलब चार पांच किल फिलहाल के लिए हम लोग आते हैं ऊपर वाले घर की तरफ मतलब चर्च की तरफ और तभी मेरे को सामने वाले घर पर बंदा दिखता है तो मैंने सोचा क्यों ना उसको जला के मारा जाए और अब मेरे को पता चलता है कि भाई ये बंदा जाके बैठ चुका है पैनिक रूम में तो मैं यहाँ पर एक मॉल फेंकता हूँ और मुझे पता था ये जरूर जलेगा और नीचे कूदेगा अब इस बंदे की फटाफट पेटी बनाने के बाद भाई मैं जाता हूँ शॉप की तरफ क्योंकि भाई मेरे को काफ़ी सारा सामान चाहिए था तो मैं शॉप पर लूट रहा था तभी मेरे को पीछे से किसी के भाग लगाती है तो पता चलता है भाई ये वो टीम अप वाला बंदा है जो पीछे बहुत देर से कूद रहा था अब यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था हम लोग अच्छे खासी बातचीत कर रहे थे और अब होने वाला है हमारे साथ स्कैम अब वो स्कैम क्या है आप ज़रा ये देखो भाई इसको मार दो है दोनों कर रहे अब भाई उस टीम वाले बंदे के दोनों बंदे रैंडम थे जो कि टीम अप कर रहे थे लेकिन भाई उनका प्लान था पहले से ही मतलब मन में विचार बना के बैठे थे कब मौका मिले कब पेटी बना दे अब सायर भैया की एचपी इतनी ज्यादा कम हो गई थी दोनों बंदों को मारने के बाद कि भैया तो जोन से ही निपट लिए और रिकल सेंटर भी भाई उसी टाइम बंद हो गया जिस टाइम भैया मरे अब देखो यहां पर ये मैच बन चुका था सोलो वर्ष स्क्वाड लेकिन भाई तुम्हारा भाई ये मैच सोलो वर्स स्क्वाड में ही निकाल लेगा अब मैच कैसे निकालते हैं पहले ये देखो अब ये भाई मजे से घूमता हुआ जा रहा होता है पता नहीं भाई कौन था ये बंदा और ये ऑल अरे अरेबी बोलता है फिलहाल के लिए हम लोग निकल के आए हैं मतलब मैं अकेला आया तो मिलिट्री बेस की तरफ निकल के और मिलिट्री बेस की हिल की तरफ भाई फायरिंग वगैरह हो रही होती है तो यहाँ पर मैं मौका उठाता हूँ फायदा उठाता हूँ इस चीज़ का और अब देखो तुम्हारे भाई का रापचिक स्प्रे अब भाई यहाँ पर भाई वो रिज गिरिच की वजह से मेरे को दिख नहीं रहा था फिलहाल ये बंदा मेरे को डीपी से काफ़ी अलिट कर देता है तो तुम्हारा भाई यहाँ पर थोड़े बहुत एंगल बनाता है और फटाफट से बैंडेज वगैरह पोतता है और देखो अब मौका मिलेगा एक नॉक करने का तो मैं सीधा कर दूँगा रश और मौका मिल भी जाता है तो पर तुम्हारे भाई ने एक नॉक निकाल लिया था तो अब क्या करना था गाड़ी उठाई और सीधा करना था रश लेकिन उससे पहले भाई पकड़ लेता हाथ में क्योंकि भाई क्लोज में भाई गॉड गन है भाई भाई मतलब इसका डैमेज क्लोज और लॉन्ग रेंज में दोनों ही बहुत खतरनाक है फिलहाल जैसे मैं यहां पर जा रहा होता तो मुझे पता चलता है भाई यहां पर तो दूसरी स्कॉड आ गई यार और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ इस बंदे को कितने हेड लगे यार और अब देखो गलत सीन Awesome. Awesome. भाई भैया का रिएक्शन तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था फिलहाल के लिए आप लोगों को ये वाला क्लच और ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सेस कैसा लगे कमेंट में जरूर बताना फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी पे स्मोक वगैरह करता हूँ भाई कोई क्योंकि पता नहीं है भाई कौन सा सांप कहाँ लेटा हो और हमारे साथ एक टीमअ वाला बंदा था तो मैं उसे भी इस गाड़ी में बैठा लेता हूँ और भाई पीछे आगे हर जगह देखता हुआ जाना होता है भाई कहीं से भी कोई भी फायर कर देता है अब फिलहाल के लिए यहाँ से हम लोग गाड़ी उठाकर सीधा आए थे सी बिल्डिंग की तरफ मतलब भाई मेरे को गाड़ी चेंज करनी पड़ी रास्ते में क्योंकि पेट्रोल बहुत ही कम था देखो पेट्रोल का बिल कोई नहीं भरता तो पेट्रोल तो यहाँ फ्री का है कितनी भी गाड़ियाँ बदल लो यार अपनी ये चच्चा का एरिया है ठीक है कोई टेंशन नहीं है तो यहाँ पर हम लोग आए थे सी बिल्डिंग की तरफ और भाई अब मेरे को टावर की तरफ ना एक हल्की सी झलक दिखती है बंदे की तो फिर क्या करना था यहाँ पर लगाई मैंने गाड़ी और अब चढ़ चुका था मैं सीधा टावर के ऊपर अब भैया को नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ तो सुनो जरा नंबर दूसरी बार पापा सीधा गए भाई और जैसा कि मैंने बोला था भाई पीछे से भी कोई भी आता है फ्लाइट टीम वाले बंदे ने तो उसको मार दिया था लेकिन टावर के ऊपर एक और सांप लेटा हुआ था तो यहाँ पर मैं इसको मारने का ट्राई करता हूँ भाई एक दो को हेड मारता हूँ मैं इसको लेकिन कुछ फायदा नहीं था इसको मारने का क्योंकि भाई यहाँ पर यह बंदा भी मेरे को हर बार लेट कर दे रहा था और ऐसे ही हमारा सीन चलता रहता है भाई मतलब ये दो बंदे बचे हैं अब एक बंदा यहाँ पर था और एक बंदे की अभी हमें लोकेशन नहीं पता थी तो क्या करना था यहाँ पर मैं काफ़ी ज्यादा देर तक वेट करता हूँ इस बंदे के लिए अब देखो मैं यहाँ पर आके लेट जाता हूँ भाई क्योंकि कुछ नहीं पता बंदा कहाँ लेटा है और दूसरा वाला तो मैं यहां से देख रहा था भाई जोन भी आ चुका था ऑलमोस्ट और अब देखो भाई ये टीमअप वाला बंदा तो कुछ ज्यादा ही खुश होगा इस टाइम क्योंकि भाई इसको फ्री के किल मिलते आ रहे थे मेरे साथ रहकर रह फिलहाल के लिए एक आखिरी बंदा बचा हुआ था जिसका मेरे को शक हो रहा था कि भाई सीमेंट्री के ऊपर जोन बन रहा है तो आखिरी बंदा सीमेंट्री पर बचा होगा लेकिन भाई मेरा शक पूरा कंफर्म में होने वाला था क्योंकि भाई यहाँ पर मैं जैसे ही देखता हूँ कि भाई मेरे को तो छोटा सा शक था ही अब मैं सीमेंट्री के अंदर घूम के आया पूरा देखो अभी तक कोई नहीं था यहाँ पर लेकिन तभी मेरे को सामने बाइक खड़ी हुई दिखती है एक जिससे कि मेरे को थोड़ा सा शक होता है कि भाई ये बंदा कहीं लेटा लेटा ना हो तो फिर क्या करना था टीमअ वाले बंदे को बुलाया बैठाया अपनी गाड़ी में और अब देखो भाई यहाँ से हम लोग गाड़ी घुमा के जा रहे होते हैं और जैसे ही मैं देखो यहाँ पर अभी मस्त गाड़ी घुमा रहा हूँ अभी कोई नहीं है अभी कोई टेंशन नहीं है और देखो भैया की बातें देखो मतलब क्या कह रहे हैं तो अभी तुम लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्यों रुका क्योंकि यहाँ पर किसी के फुट्स तो नहीं आए तो यहां पर रुकने का भाई एक मेन रीजन ये था अभी यार ये टीमप वाला बंदा तो मेरे को ही मार देगा ऐसा लगता है और ये बाइक वाले भैया तो मेरे घर के बाहर से ही रोज बाइक ले जाते रहते हैं मतलब तो आदत सी हो गई है मेरे को अब तुम लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्यों रुका तो भाई यहां पर मेरे को किसी के स्मोक खींचने की आवाज़ आई थी और अब तुम्हारा भाई करने वाला है यहाँ पर नेट की बारिश ये गया पहला नेट ये फटा दूसरा ये फटा तीसरा मतलब ये तो उस सामने वाले बंदे का ही था और अब बारी आ चुकी थी मौली की तो मौली वर्सेज मौली मतलब मैंने ही मॉली फेंकी और उसने भी मॉली फेंकी देख रहे हो टाइमिंग अब मैं यहाँ पर नेट कर रहा होता हूँ और जैसे ही मैं नेट करता हूँ भाई मेरे ही ऊपर मॉली लग गई यार उस बंदे की दो और अभी सामने टीम अप वाला बंदा नेट खींच के खड़ा होता है और जैसे ही नेट आता है भाई इस टीम अप वाले बंदे ने खुद को ही नेट से उड़ा लिया यार और अब देखो इस सामने जो बंदा है उसका कॉन्फिडेंस और यहाँ पर हमें मिल चुका है एक प्यारा सा चिकन डिनर तो फिलहाल के लिए आप लोग को आज की वीडियो कैसे लाइक कमेंट करके बताना और भाई तुम्हारी डिमांड पे मैंने सायर भाई के साथ गेम प्ले ला दिया है तो सब्सक्राइब दबा दो यार अगर तुम चैनल पर नए हो और अगर पुराने हो तो लाइक करके एक दोस्त के साथ शेयर करो जो कि सब्सक्राइब दबा दे अब देखो यार इस बंदे का नाम भी एक्स जोनाथन था मतलब एक्स जोनाथन देख रहे हो एक्स का कई एक्स वो कुछ और हो जाएगा यूट्यूब डिमोनोटाइज कर देगा फिलहाल के लिए आप लोगों को मजा आया कि नहीं यार मतलब कमेंट में बताओ तो मैं मैं तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम